Hey guys, कैसे आप लोग? उम्मीद हो अच्छे हो गए यार। तो कैसा सब कुछ? बढ़िया ना। आज मैं फिर से आ गया हूँ। I'm back again। आज हम क्या करने वाले हैं? सावन का महीना चल रहा है यार, basically festive season है, रक्षाबंधन भी आ रहा है and after all जन्माष्टमी भी। तो क्या होने वाला है आज? हम रेस्टों के डेजर्ट्स को लाने वाले हैं आपके घर में। तो उसके लिए हम बनाने वाले हैं आज दो डेजर्ट्स। सीरियसली दो डेजर्ट्स एक ही रेसिपी में, मतलब कॉम्बो। तो हमारे कॉम्बो में पहली चीज होने वाली है हमारा राजस्थानी घेवर। राजस्थानी घेवर बिल्कुल इजीली ऑन योर किचन। सीरियसली इट्स टू इजी टू मेक। मेरे साथ में तो हर चीज इजी है ना यार। तो और दूसरी डिश हमारी वो होने वाली है बिहार की मोस्ट फेमस डिश चंद्रकला। तो देखे चल के दोनों, देखना तो ही ना यार। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना घेवर बनाने का प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या लिया हुआ है, हमें चाहिए एक कप ठंडा दूध और यहाँ पे हाफ लेमन और यहाँ पर दो टेबलस्पून बेसन और आपका यहाँ पर एक बड़ा बाउल ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा और यहाँ पे हमारी आइस क्यूब्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस, जो हमारा घेवर है उसका बैटर बनाने का प्रोसेस। पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा बैटर बनाने के लिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 चम्मच घी। आप यहाँ पर ले लीजिएगा 1 टेबलस्पून एंड या फिर आप कहें तो 2 टीस्पून घी हमारा, वो हमने यहाँ ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे जो आइस क्यूब्स हैं वो लेंगे लाइक दिस। इस तरीके से मैंने डाल दिया और अब हमें इन्हें विस्क करना है, इस तरीके से फेंटना है हाथों से। बेसिकली हमें इनका एक बैटर मतलब एक तरीके से क्रीम बनानी है। आप जब घी में आइस क्यूब डाल के घिसेंगे ना अच्छे से विस्क करेंगे तो क्रीम बन जाएगी इसकी, लाइक दिस। आपको कंटिन्यू करना है इस तरीके से जब तक बर्फ आपकी खत्म नहीं हो जाती आइस क्यूब छोटे छोटे, तब तक आप करते रहिए। मलाई थी बिल्कुल तैयार, क्रीम हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इसमें मैदा डालेंगे सारी की सारी लाइक दिस। इसमें अपनी पूरी 1 बाउल हमारी मैदा हम ऐड कर देंगे और मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। ठंडा होना चाहिए आपका दूध, पूरा फ्रिज का चिल्ड दूध ऐड कर देंगे इसमें और हल्के से फेटेंगे इसे हल्के हल्के। एंड नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन अपना जो हमने निकाल के रखा था, थोड़ा सा विस्क करेंगे और अब हम इसमें अपना ऐड करेंगे ठंडा पानी। हमें बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है, हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी। ऐड कर दिया हमने इसमें अपना बिल्कुल चिल्ड पानी फ्रिज का, क्योंकि ये जो बैटर है ना हमारा ये केवल ठंडे पानी में ही बनता है घेवर का बैटर, किसी और पानी में आप बनाओगे तो अच्छा नहीं बनेगा। धीमे धीमे आप इसमें वाटर ऐड करते रहिए, विस्क करते करते वाटर ऐड करते रहेंगे और लम्स नहीं बनने चाहिए इतना याद रखिएगा, उससे जो है ये सही नहीं बनेगा बैटर हमारा। फिर से विस्क करेंगे लाइक दिस लाइक दिस अच्छे तरीके से करेंगे अपना ठंडा पानी और बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए हमें। और अब मैं यूज कर रहा हूँ हैंड ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर से हम अपने इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अभी काफी गाढ़ी है। तो हमें, मैंने आपको बताया था कि मुझे गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए, हमको गाढ़ा बैटर नहीं रखना है, बैटर जो है वो पतला ही होना चाहिए। तो अब हम इसमें फिर से ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, चिल्ड वाटर ही यूज़ करना है रिमेम्बर, क्योंकि हमने ब्लेंडर से एक बार कर दिया था अच्छे तरीके से ब्लेंड। तो अब हम इसको जो है ऐसे ही कर लेंगे नॉर्मली पानी ऐड कर करके, आपको अपने हिसाब से देखना है, पतला रहना चाहिए, अभी भी गाढ़ा है काफ़ी। और पानी हम ऐड करेंगे इसमें, एंड नाउ
और बैटर इज रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने हाफ लेमन लिया था उसका रस, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो हमारा बैटर है वो कहीं भागेगा नहीं, अच्छे से टिक के रहेगा जब हम अपने इसको कुक करेंगे ऑयल के साथ, तो ये भागेगा नहीं, टिक के रहेगा। तो इसलिए हमें इसको इसमें थोड़ा सा लेमन का डाल रहे हैं अपना, बस ये हो गया, मिक्स कर देंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो गया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस। मैं अब यहाँ बनाने वाला, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने लिया है 1 बाउल हमारा चीनी का, ये है हमारी खड़ी चीनी, और ये 1 बाउल मैंने लिया है पीसी चीनी का, ये हो गई हमारी चीनी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पानी, तो पानी हमने ऐड कर दिया। पानी हमें ऐड करना है 2 से 3 गिलास, 2 से 3 गिलास पानी हम ऐड कर देंगे इसमें, और आराम से वैसे हम छोड़ देंगे होने के लिए। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शनल है लेकिन आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसमें ऐड करता हूँ हमेशा, जब भी मैं चाशनी बनाता हूँ तो मैं 2 इलायची हमेशा यूज करता हूँ इसमें, 2 से 3 इलायची आप हमेशा यूज करो। चाशनी का जो टेक्स्चर है और जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, तो मैं हमेशा इलायची जरूर डालता हूँ चाशनी में, जब भी चाशनी बनाता हूँ, चाहे कोई चाहे किसी भी पर्पज की चाशनी हो, इलायची उसमें अच्छी लगती है। कैंडी की चाशनी वो अलग होती है, तो उसमें इलायची नहीं पड़ती, बट ये चाशनी इलायची के साथ बड़ी मजेदार होती है। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने घेवर बनाने के लिए। जो हमारा ऑयल रखा था हमने, ये रहा हमारा घेवर का ऑयल, बिल्कुल गर्म हो चुका है, रिफाइंड मैंने यूज किया है, और मैंने थोड़ा सा इसमें घी भी यूज किया है, बिकॉज घी का टेक्स्चर आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने घेवर बनाना। तेल जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, हम स्टार्ट करेंगे इसमें अपना बैटर डालना। बैटर हमें कैसे डालना है, बहुत धीमे धीमे डालना है, और थोड़ा सा दूर रह के आराम से करिएगा, क्योंकि अभी जो बैटर हमारा उछल जाएगा इस पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से डिप करेंगे धीमे धीमे, इस तरीके से, और मेक श्योर कि आप दूरी बना के रखें, लेना है जिससे हम यहाँ बीच में एक होल बना सकते हैं, ऐसे धीमे से इसमें एक होल कर देना है, लाइक दिस, वेरी सिंपल। घेवर हमारा बिल्कुल एक्सट्रीमली पक गया है, समझ लो आप, ये थोड़ा सा हमारा, इसको हम और अंदर डिप करेंगे ताकि जो है अच्छे से जितना वाइट है वो भी हो जाए। तो अब जो है ये हम ऐसे उठाएंगे, बिल्कुल इजीली आराम से उठाना है, आ गया ये बाहर हमारा, और आप देख सकते हो भाई साहब क्या लेवल का घेवर बना है, अलग ही लेवल घेवर है, घेवर हमारा तैयार हो गया है। घेवर की तरह हम फिर से वही प्रोसेस दोबारा से करेंगे, धीमे धीमे और बहुत ही केयरफुल होके यार, इतना याद रखना। हमारा दूसरा घेवर भी तैयार हो गया, मतलब देखो यार कितनी जालियां हैं, कहते ना कि सबसे बढ़िया घेवर होता है जालीदार घेवर, तो खुद देख सकते हो यार क्या अलग लेवल घेवर है यार। ये रहा हमारा एक घेवर पहला वाला, और वो रहा हमारा दूसरा घेवर, हमारे दोनों ही घेवर एक नंबर बने, जालीदार एकदम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी दूसरी प्रोसेस के आगे बढ़ेंगे। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी, तो अब हम बढ़ते हैं, तब तक जब तक चाशनी तैयार हो रही है सही तरीके से, तब तक हम बनाएंगे इसके लिए रबड़ी। तो उसका प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, चलते भाई साहब। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपनी रबड़ी बनाने का। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है अपना पिघला हुआ ऑयल, पिघला हुआ घी, और ऑयल दोनों मिक्स है हमारा, वही घेवर वाला, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे सही ढंग से। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया था, दूध अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें दूध अभी बढ़ाऊंगा, और मैं इसमें अभी 1 या 1.5 गिलास दूध और ऐड करूंगा, बिकॉज
हम बना रहे हैं घेवर और चंद्रकला दोनों। तो घेवर का क्या है, घेवर के लिए चाहिए हमें रबड़ी और चंद्रकला के लिए चाहिए हमें खोया। तो ये जो रेसिपी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस रेसिपी में आप बनाएंगे रबड़ी भी इसी चीज से और खोया भी इसी चीज से। सो इजी, देखते हैं कैसे बनता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो आपकी 3-4 टेबल स्पून चीनी, ठीक क्वांटिटी में अच्छी खासी चीनी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब हम डालेंगे इसमें अपना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने यहां लिया है 1 बोल। इसको आराम से हम चलाएंगे। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल इस चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी चाशनी, क्योंकि हमारी रबड़ी जो है वो अभी गैस पे है, वो तैयार हो रही है, तो हम अपनी चाशनी को ना धीमे धीमे इस पे डाल देंगे। क्योंकि ये होगा, इससे जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है ना, जब तक सॉरी हमारी रबड़ी तैयार हो रही है ना, तब तक हमारी चाशनी जो है सोक कर लेगी घेवर्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये रही, बिल्कुल धीमे धीमे बनती हुई हमारी रबड़ी, फुल गैस है, जल्दी जल्दी तैयार हो रही है सही तरीके से। हाँ, ये देखो भाई, बस बनने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओह हो हो, इनफैक्ट बनने वाली क्या, बन ही गई ऑलमोस्ट। थोड़ी जो है हमारी परफेक्ट हो गई है तैयार। खुद देखो यार, बिल्कुल सही क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी भी एकदम बढ़िया वाली, रबड़ी रेडी हो गई है। तो चले फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, इससे घेवरों पे डालने का। सो रबड़ी हमारी रेडी हो गई, ये रही रबड़ी। और ये यहाँ पे मैंने लिए कुछ कैश्यू यानी काजू और बादाम आमंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने घेवर का फाइनल टचअप करना। ये वाला प्रोसेस बड़ा मजेदार लगता है मुझे, मतलब किसी को भी लगे यार कि मजेदार है ही। ये देखो रबड़ी है गरम गरम। ओह, तो अब हम इस पे फिलिंग करेंगे रबड़ी की इस तरीके से। घेवर रेडी हो गया है, इनफैक्ट मार्केट से तो मुझे कई ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं करने वाला, आप लोग बता देना यार कैसा लगा। बट लाल घेवर हमारे रेडी हो गए हैं, और इनफैक्ट कितनी इजी था ना यार, थोड़ा तो इजी लगा ही होगा ना, लेकिन इन स्टेप्स के साथ और इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो घेवर हमारा रेडी हो गया, अब हम चलेंगे सीधे अपनी चंद्रकला में। आया तो चले चंद्रकला की तरफ। बिल्कुल भाई साहब, खोया जो हमारा था ना वो भी रेडी हो गया, और ये वही है रबड़ी जो हमने अलग निकाल ली थी बची हुई, उसको हमें बस थोड़ा गैस को अपनी फ्लेम पर रखना है और हमारा खोया भी रेडी हो जाएगा। इंस्टेंट खोया की शायद आप मेरी देख ही चुके होंगे रेसिपी पहले भी। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने काजू और बादाम खोए में। अब स्टार्ट करते हैं अपना चंद्रकला का अगला प्रोसेस। चंद्रकला मैं आया था, तो चंद्रकला का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हमारा ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पे यूज किया है 2 टेबलस्पून हमारा रिफाइंड ऑयल। तो इसका डो बनाते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी बॉल्स ले ली हैं, 2 बॉल्स हैं मेरे पास, तो अब मैं इनको बेलूंगा। तो इस तरीके से हमने लिया अपना खोया काजू वाला लाइक दिस,
पर यहाँ मैं अपनी मातोश्री की मदद लेते हुए बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा पानी लाएंगे साइडों में लाइक दिस। इस तरीके से इसको रख दिया ऊपर। और अब देखिए ध्यान से, ये सिंपल सा प्रोसेस है, बढ़िया ही मेन प्रोसेस है इसका। ऐसे पिंच करते करते हमको दोनों हमारी गोलियों को, जो हमारी छोटी सी रोटी टाइप की है मैदे की, इसको इस तरीके से गोल 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 प्रेस करते रहना है, जिससे क्या होगा पानी लगाने के बाद ये एकदम चिपक जाएंगे एक दूसरे में, तो ये खुलेंगे नहीं जब आप इनको सेकोगे ऑयल में। सो ये सबसे सही प्रोसेस रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी है, वरना ये खुल सकते हैं। तो इनको इस तरीके से आपको मूव करते रहना लाइक दिस। और अब ये जो है हमें धीमे धीमे इस तरीके से फोल्ड करना है, बहुत ही ईजिली है ये प्रोसेस, भी कोई मुश्किल नहीं है। लाइक दिस फोल्ड करते रहो करते रहो। गाइस चंद्रकला जो है वो हमारी भर के तैयार हो गई है, आप देख लो चंद्रकला तैयार है बिल्कुल। तो और ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, ऑयल एकदम हाई फ्लेम पे है अपना। तो हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इनको तलना, फ्राई करना। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको छोड़ना बहुत धीमे से गाइस, आराम से बिल्कुल इस तरीके से बहुत धीमे धीमे छोड़ना। और इसे छोड़ने के बाद पहले जो है हम अपनी गैस थोड़ा अच्छे से तेल को क्या कहते हैं गर्म कर लेंगे, प्री हीट कर लेंगे तेल को। उसके बाद जो है हम अपनी गैस बिल्कुल लो कर देंगे। इस तरीके से हमें चंद्रकला को सेकना है, वरना क्या होता है ना अगर आप इसे तेज आंच पे सेकोगे तो इसमें बबल्स बने आएंगे ऊपर जो बहुत गंदे लगेंगे यार देखने में, फिर वो चंद्रकला वाली बात नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा चंद्रकला में। तो इसलिए जो है हम इनको धीमे से ही करना है, सेकना है और सेकते हुए धीमे धीमे जो है हम इन्हें पलटते रहेंगे, बिकॉज क्या है ना अगर आप इन्हें पलटोगे ना तो ये जल जाएंगी और भाई साहब फिर मजा नहीं आएगा, जल नहीं चाहिए। धीमे धीमे इसको पलटते रहेंगे हम, जिस तरफ से जितनी होती रहे रोस्ट उतना आप इनको पलटते रहो लाइक दिस। और स्टार्ट। तो चंद्रकला हमारी सिक गई है, ओहो बढ़िया लग रही है, एकदम ब्राउन, एकदम बढ़िया कलर आया इसका। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल प्रोसेस यार, ये अभी हमारी चाशनी। तो हमें करना क्या है, अपनी सैफ्रॉन वाली चाशनी में इनको उठा के डिप कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ये हमने उठाई और अपनी डाल दी चाशनी, इसको हम चाशनी में रखेंगे अप्रोक्स से अप्रोक्स 10 मिनट, हम इसको 5 से 10 मिनट आराम से चाशनी में इसको रखना है। So, guys, बन गई हमारी चंद्रकला, लग रही है भाई साहब हो गई हमारी चंद्रकला रेडी। कैसी लग रही है, लग रही है एक नंबर, हर बार लगती है यार, आज क्यों नहीं लगनी थी। तो इसको देखो आप, ये आहा हा कितना सॉफ्ट है यार, एकदम अंदर से सॉफ्ट। ये देखो, ये देखो इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ जी, लाइक सीरियसली भाई साहब आहा हा, खोए की स्टफिंग। ये है हमारी चंद्रकला, तो ट्राई करो यार घर पे, इनफैक्ट फेस्टिव सीजन है, राखी है, जन्माष्टमी है, सावन तो चल ही रहा है यार। सो ट्राई करो और बताओ जरूर यार कैसी लगी रेसिपी, मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लाता रहूंगा हर बार। सो आज के लिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।